हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है किशन एंड गोपाल और पार्टनर, किशन गोपाल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इज इक्वली, इक्वल बांटते हैं, दो आदमी हैं, दो आदमी जब इक्वल बांटेंगे तो यानी किशन और गोपाल का ओल्ड रेशियो कितना हो गया, 1:1, मतलब 1/2, 1/2। आई कहता दे एडमिट श्याम, उन्होंने श्याम को एडमिट किया है एज ए पार्टनर, एक साझेदार के रूप में, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है श्याम, 1/5। श्याम ब्रिंग इन टू पार्टनरशिप, श्याम लाता है साझेदारी फर्म में बुक डेप्ट, बुक डेप्ट का मतलब होता है डेप्टर्स, डेप्टर्स लेकर के आता है कितना, अमाउंटिंग टू 20,000, कितना डेप्टर लेकर आ रहा है, 20,000। इसका हम लोग करेंगे पहले जनरल इंट्री। हम लोग को मालूम है कि बिजनेस में जब भी कोई पार्टनर कुछ भी लेकर के आता है तो क्या कहते हैं हम लोग, डेबिट। तो पहला जनरल एंट्री हो जाएगा डेप्टर लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे डेप्टर्स अकाउंट DR, कितना डेप्टर्स लेकर आ रहा है, 20,000। गुडविल ऑफ हिज कनेक्शन इज वैल्यूड एट 40,000, गुडविल भी वो लेकर के आ रहा है, कितना लेकर के आ रहा है, 40,000, है ना। ये नहीं समझेंगे कि गुडविल फर्म का है या उसका, 40,000 गुडविल लेकर आ रहा है, डेप्टर्स अकाउंट DR 20,000, गुडविल अकाउंट DR ये हो जाएगा कितना, 40,000, ये हो गया गुडविल अकाउंट DR 40,000। आगे एंड बैलेंस इन कैश बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर सो एज टू मेक कैपिटल इक्वल टू 1,20,000, कहता बाकी पैसा उसने उधार लिया, 20 ये हो गया, 40 ये हो गया, 40 20 60, और बाकी पैसा उसने मुरलीधर से उधार लिया, क्यों उधार लिया, ताकि जो है उसका कैपिटल हो सके 1,20,000। तो हम लोग उधार ले लेंगे, कैश लिख सकते हैं या बैंक लिख सकते हैं, अकाउंट DR टू, कौन कैपिटल आ रहा है, गोपाल, तो टू गोपाल नहीं, किशन गोपाल और एडमिट किया श्याम को, श्याम टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कहता ये कैपिटल 1,20,000 लाया, और इसके लिए क्या किया उसने, 20,000 ये या 40,000 ये, 40 और 20 60, और बाकी जो पैसा बैलेंस बचा वो मुरलीधर नाम के व्यक्ति से, यानी 1,20,000 में 40 और 20 60 चल गया, तो बाकी कितना बचा, 60,000 इन्होंने उधार ले लिया, है ना। ये आपका पहला जर्नल एंट्री है कैपिटल लाने का। इसका नारेशन लिख देंगे, बींग बींग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्राउट इन काइंड, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कैपिटल का पैसा पूरा पूरी कैश न ला करके कई एक तरह का असेट्स लाया गया, ठीक है। आगे इसमें जो गुडविल का कहानी होता है वो हम लोग देखेंगे, गुडविल के लिए इसने क्या किया, करता है द गुडविल ऑफ द ओल्ड फर्म इज टू बी टेकन 6,000। देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि नया पार्टनर यानी श्याम गुडविल का कितना पैसा लाया, कहता टोटल फर्म का गुडविल कितना है, 60,000, और 60,000 जब हम मैंने आपको बताया था कि कई कई क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का हिस्सा दे देता कि उसके हिस्से का गुडविल इतना है, नहीं तो फर्म का दे देता है, इसमें फर्म का दिया है 60,000 और न्यू पार्टनर यानी श्याम का हिस्सा कितना है, 1/5। 60,000 इंटू 1/5 करेंगे हम लोग तो ये कितना आ जाएगा, 12,000 नहीं, यानी इसका हिस्सा श्याम के हिस्से का गुडविल कितना हो गया, 12,000, और ये 12,000 को क्या श्याम ने लाया है, तो क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोल रहा है नहीं लाया। तो मैंने आपको सिखाया कि जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल नहीं लाता है तो उसका करेंट अकाउंट डेबिट करते हैं, अभी सिखाया ना क्वेश्चन नंबर 24 में, और ये है 25। तो करेंगे श्याम्स करेंट अकाउंट DR कितना लाना था और इसने नहीं लाया, 12,000, टू पुराना पार्टनर, पुराना पार्टनर कौन कौन है, किशन और गोपाल, टू किशन और टू गोपाल, 12,000 को किस में बांटेंगे हम लोग, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब क्वेश्चन सिंपल रहे तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल बांटता है। देखे किशन एंड गोपाल इक्वल बांटता था, डे एडमिट 1/5, जब क्वेश्चन रहे ओल्ड रेशियो दिया रहे नया पार्टनर 1/2 1/4 ले, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है और उसी में गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर के बीच बटता था, तो किशन एंड गोपाल इक्वल बांट रहा था, तो 12,000 दो व्यक्ति के बीच कितना कितना बटेगा, 6,000 और 6,000, 12,000 को दो भाग में बांटेंगे, 6,000 6,000। नारेशन अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो सीधे लिखेंगे बींग अमाउंट ऑफ गुडविल
एडजस्ट, है ना, आपका बन गया 25।